हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गर्मी के दिनों में ही खासकर मिलने वाला सब्जी, जो है चौलाई सब्जी का भाजी का। हम लोग सब्जी बनाने जा रहे हैं आज चौलाई भाजी की, जो बहुत ही टेस्टी लगता है विलेज स्टाइल में, एकदम चटपटा सा प्याज डाल के ज़्यादा बनाएंगे। और जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी हौसला मिल सके और हम लोगों का भी ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंचे। तो चले बनाते हैं चौलाई की सब्जी। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये रहा हम लोगों का ताज़ा ताज़ा चौलाई भाजी, और इसको हम लोग बाड़ी से खरीद के आए थे और इसको हम लोग साफ कर लिए हैं, ये देखिए। और चलिए अब हम लोग बनाते हैं चौलाई की सब्जी। दोस्तों नहीं खाने वाले भी खाएंगे, एकदम देसी तरीके से बना रहे हैं हम लोग भाजी को। देखिए दोस्तों, ये रहा हम लोग हरा मिर्च भी काट लिए हैं, इधर देखिए प्याज थोड़ा ज़्यादा लिए हैं हम लोग, 3 लिए हैं मीडियम प्याज, और टमाटर है ये। और देखिए प्याज को हम लोग काटते जा रहे हैं और फिर सब्जी बना लेंगे चौलाई की, जिसे रोपा भी कई जगह बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग कढ़ाई रख लिए हैं सब्जी बनाने के लिए, और ना हम इसमें तेल डालेंगे ना कुछ, अभी सिर्फ हम लोग भाजी को ऐसे ही पकाएंगे जिससे भाजी का पानी निकल जाए। और धो लिए हैं हम लोग भाजी को साफ पानी से, और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, जिससे इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद इसको लास्ट में बघार लगाएंगे और पका लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, ये नमक डाल लिए हैं, थोड़ा सा और डाले हैं स्वाद अनुसार। वैसे भाजी में नमक हल्का कम ही रखा जाता है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक को। और ना इसमें हल्दी डाला जाता है, हल्दी हम लोग नहीं डालते हैं भाजी में, चाहे तो आप अपना हल्दी डाल सकते हैं। सिर्फ प्याज और हरा मिर्च का फ़ौरन देंगे हम लोग, और चलिए फाइनली पका लेते हैं। पानी इसका निकाल लिए हैं, सोख लिया है एकदम पानी, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी है, और पका लेते हैं, फिर लास्ट में बघार लगाएंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, हमारा भाजी बिल्कुल पक गया है, पानी एकदम ख़त्म हो गया है, इसमें एक भी नहीं है। और चलिए निकाल लेते हैं अब, और फाइनली हम लोग भाजी को देखिए निकाल लिए हैं। और चलिए प्याज और लहसुन का, मिर्च का बघार लगा लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। देखिए दोस्तों, हम लोग कढ़ाई में अब तेल डाल लेते हैं बघार लगाने के लिए। ये देखिए तेल डाल लिए हैं, और तेल गरम कर लेते हैं अच्छा से। और देखिए तेल गरम हो गया है दोस्तों, और हरा मिर्च को हम लोग डाल लेते हैं। हरा मिर्च भी अच्छा से भुना जाएगा, और प्याज भी डालेंगे। प्याज और हरा मिर्च को अच्छा से भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज बिल्कुल अच्छा से लाल हो गया है, भुना गया है। और टमाटर है उसको भी डाल लेते हैं, एक ठो टमाटर लिए थे। थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा टमाटर गलाने के लिए, तो उसके बाद भाजी को डाल देंगे। फिर फाइनली पक गया हमारा भाजी दोस्तों, ना इसमें हल्दी डालना रहता है ना और कुछ, एकदम सिंपल सा, आप बच्चे भी खा सकते हैं इसको। तो चलिए थोड़ा सा भून लेते हैं टमाटर को गलाने के लिए। देखिए टमाटर भी भुना गया है, और चलिए फाइनली हम लोग भाजी को डाल लेते हैं कढ़ाई में और पका लेंगे अब थोड़ा देर। हल्का सा पका लेते हैं भाजी को। देखिए दोस्तों, हमारा सब्जी पक के तैयार हो गया है चौलाई साग, और चलिए उतार लेते हैं हम लोग चूल्हे से। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा सब्जी पक गया और उतार लिए हैं चूल्हे से। आज हम लोग चौलाई भाजी की सब्जी बनाए थे।
आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम लोग चौलाई साग बनाए थे, चौलाई भाजी की सब्जी विलेज स्टाइल में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।